हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से, और बाकी डिटेल्स आप लोगों को मैं तो अभी बता ही दूंगी। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है इस स्टोरी को लेके कि इस तरीके की स्टोरीज ना हमने पहले भी पढ़ी है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देख लो ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि मैंने किस तरीके की स्टोरी के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है यू आर ओनली माई स्वीट हार्ट। तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसके जो ऑथर है उनका नाम है चिंकी शाह। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 23, क्योंकि अभी एक न्यू नॉवल है। और इसके मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है एकांश सिंह ओबरॉय और अनिका। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। तो अनिका हर किसी की मदद करने वाली लड़की, जिसने जाने अनजाने अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह और बिजनेस वर्ल्ड के किंग एकांश सिंह ओबरॉय को एक नई जिंदगी दी जिसके बारे में उसे ही नहीं था पता। ठीक है, और वहीं एकांश सिंह ओबरॉय जो एक दिन बन गया अनिका की ज़िंदगी का मालिक। अनिका जो एकांश का पागलपन बन चुकी थी, वो उसके खुद के सपने अलग थे। तो क्या इन सपनों के बीच जो है वो हमारे हीरो आ जाएंगे? क्या अनिका एकांश के खतरनाक प्यार को झेल पाएगी? हाँ, अब आप लोग को समझ आया कि कहानी किस तरीके की है। अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी चल रही थी हमारी हीरोइन की, लेकिन एक दिन वो ऐसा आया जब वो हमारे हीरो से मिली और उनके साथ ये कह लो कि एक रिलेशन में आ गई। फिर उनके मतलब ये कह लो कि नशे में होने के कारण उनके साथ जो चीज़ें हुई वो काफ़ी अटपटी थी। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो उनकी फ़र्स्ट मीटिंग थी। नहीं, आप लोग जैसे जैसे फर्स्ट एपिसोड पढ़ोगे आप लोग को पता चलेगा किस तरीके से इनकी मुलाकात हुई। अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊँगी ना। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, ये अपने घर जाती हैं। अच्छा, इनकी फैमिली में इनके भाई ठीक है, और इनके फ्रेंड्स मॉम डैड वगैरह, मतलब एक अच्छी फैमिली, ठीक है, क्यूट स्वीट फैमिली आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट वाला, हालांकि हमारी हीरोइन को लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब केयरिंग वगैरह भी सीन आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ ये जो ओवर पोजेसिव नेचर और ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग देखोगे कि स्टार्ट में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप लोग देखोगे कि किस तरीके से उनका नेचर जो है वो इतना मतलब ये कह लो कि ये जो प्यार है एक जुनूनियत वाला बन जाता है, ठीक है। और फिर इन सब चीज़ों से अलग तुम्हारे लिए बहुत सारी फिर एक वो कह लो कि बाउंड्रीज जो है ना वो क्रिएट हो जाती है अगर तुम इस तरीके की किसी रिलेशनशिप में आ जाते हो, राइट। तो वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, और इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों ने इस तरीके की स्टोरीज पहले भी देखी हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन के साथ गड़बड़ हो जाती है और वो इस तरीके के रिलेशनशिप में जो है वो फंस जाती हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ वो अपनी करियर, अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों और साथ ही साथ उनका वो जो प्यार है उनके साथ वो किस तरीके से डील करती हैं, और तो और वो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलती हैं, क्या वो पॉजिटिव टर्न होगा या नेगेटिव टर्न होगा, ये तो राइटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन इस तरीके की स्टोरीज हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नहीं, इस तरीके की स्टोरीज मैंने पहले कई सारी पढ़ी हैं, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके की स्टोरी जो है वो है। तो जब इनकी फैमिली का इनकी फैमिली को पता चलेगा तो उनका किस तरीके का रिएक्शन होगा, और तो और क्या जो हमारे हीरो हैं वो सच में इनको अपने करियर में आगे कुछ करने देंगे वो तो चीज़ अलग ही है। लेकिन उनके साथ साथ उनका जो ये जुनून है और जो ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव बिहेवियर है, ये क्या पॉजिटिव जाएगा? मतलब देखो, एक हद तक ही ठीक रहता है कि नहीं, यानी तो फिर ऐसा लगता है कि तुम तो ऐसे कैद से में हो गए हो कि दोस्त एक ही इंसान तुम्हारी दुनिया हो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई, है ना। तो बस यही चीज़ है स्टोरी में, और बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से इसमें कौन से टर्न्स आते हैं। बाकी हाँ, अदर कैरेक्टर्स भी आप लोग को उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि इनके फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनका क्या रोल होने वाला है और आगे आगे कौन से बिजनेस राइवल्स या फिर ये कह लो कि एनिमीज़ के आप लोगों को दर्शन होते हैं, ये तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा जैसे जैसे स्टोरी पढ़ते जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मैं अब स्टोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। अब लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी हर कोई जाके पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख कर चले। कई बार ऐसा होता है मैं कहना भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी तो इसमें आप लोग को देखने को मिल जाता है हाँ रॉयल लाइफ स्टाइल, और साथ ही साथ आप लोग को कॉलेज लाइफ, और उसके साथ साथ ये ओवर प्रोटेक्टिव ओवर पोजेसिव बिहेवियर, जुनूनियत, दीवानगी, और एक अच्छा फैमिली ड्रामा भी आप लोग को देखने को मिल जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्टोरी में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉल होकर फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।